2024 चुनाव को लेकर भाजपा ने अब शक्ति ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ग्राउंड जीरो पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गुरुवार को सोनीपत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से भी वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आप पार्टी के लोगों ने आपके एक व्यक्ति पर तो FIR भी दर्ज हुई है 302 की, और कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयान विधानसभा और उसके बाद भी वहाँ जो वीडियो आए हैं, मैं और मोहन जी वहाँ गए भी थे, लोगों में बड़ा रोष है क्योंकि मेवात में शांति और भाईचारा ये मेवात की मिसाल रही है। मेवात विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, PMP बना, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, दूसरा वाली वो बड़ी सड़क जो जयपुर दिल्ली जाएगी वो बनी है, IMT बन रही है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। और आप देखेंगे हमने मेवात में नू में चुनाव लड़ा सिंबल पर, जिला परिषद का भी लड़ा, नगर पालिका नगर परिषदों के लड़े, तीनों नगर पालिकाएं हमारी हैं, जिला परिषद हमारी है, 7 पार्षद हम सिंबल पर जीत कर आए हैं। नू का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुका है, 50% मुस्लिम भाई पन्ना प्रमुख वहाँ बने हुए हैं। ये जो जिनको ऐसी राजनीति करनी होती है ना, जो फिरके परस्ती की जो राजनीति करते हैं, बातें कुछ और करते हैं वो लोग, लेकिन हकीकत क्या है कि उनके दिल में ये रहता है कि कैसे विकास के रास्ते पर चलता हुआ मेवात और भाजपा की बढ़ती पकड़ से कई लोग वहाँ परेशान थे। काफ़ी अच्छी जो है, मैं कहूँगा कि लगातार ऐसे जो अपराधी तत्व हैं उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेवात भारत विकसित विषय को लेकर भी धनखड़ ने बोलते हुए कहा कि पुराने नेता हैं, वह चाहते हैं कि भारत विकसित हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित करने के कदम को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी का, जितने भी बड़े नेता पुराने समय से हुए, सबको सबका ही कहना है कि भारत गांव में बसता है, भारत माता ग्राम वासनी है, देश के विकास का रास्ता खेतों से होकर जाता है। ये जो कि भारत है ये ऐसा गांव का देश है, और मोदी जी ही मैं कहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीज़ों को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चले। जैसे उस समय कल्पना करो जब जनधन के खाते सबके खाते खोलेंगे, और आज जितनी बड़ी संख्या उन खातों की है दुनिया के कई मुल्कों में जोड़ दिए जाए, पूरे यूरोप में जोड़ दिए जाए तो आबादी नहीं बनती है। उसी समय उन्होंने तय किया कि हर घर में शौचालय, हमने पंचायती राज से इसकी पहल की थी, और आज भारत का कोई घर नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है, हर घर में नल से जल, 11 करोड़ परिवार 11-12 करोड़ के बीच में परिवारों में वो पहुंच गए हैं। इसी तरह से हर घर में रसोई गैस, आवाजें लगा लगा के जनसभाओं में हमारे जैसे नेताओं को मौका दिया गया कि किसी घर में रसोई गैस नहीं है तो बताओ। ये कोरोना के समय 80 करोड़ परिवारों को मदद, सबको 2 फ्री वैक्सीन, गांव को प्रायोरिटी पर रखते हुए, गांव की 6 सड़कें हैं, गांव की जो 18,000 गांव मोदी जी बने तब बिजली नहीं थी, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का एक ऐसा तयशुदा लक्ष्य रखा। अब भारत के गांव को इस प्रकार से इंटरनेट लिंकिंग के लिए हाई डाटा, हाई स्पीड का जो डाटा है वो मिले केबल के माध्यम से, उस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ग्रामीण विकास जो है वो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, और तेजी के साथ ग्राम विकास जो है हो रहा है और बदल रहा है। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने खास तौर से भाजपा की आगामी रणनीति के बारे में भी बताया कि 56 पदवा प्रमुख सम्मेलन अब तक हो चुके हैं, 65% पे जितने बनने हैं उसका 65% पोर्टल पर चढ़ चुके हैं, सवाल हो रहा है। राजस्थान में जा रहे हैं अल्पकालीन प्रवास पर, 25 विधायकों की ड्यूटी लगाई है। इसी तरह से अल्पकालीन विस्तारक कार्यकर्ता भी हरियाणा में निकाले जाएंगे 9-10 सितंबर से, और हजारों कार्यकर्ताओं को निकालने का लक्ष्य हमने रखा है।
जिनको पांच पांच बूथ संभालने के लिए एक सप्ताह के लिए भेजा। एक दिन ट्रेनिंग होगी और छह दिन फील्ड में काम करेंगे। तो एक बड़ा कंप्लेंट दे रहे हैं हरियाणा भर में। और जो हमारे डीएलए टू का काम है मतदाता सूची को अपडेटेड करना, जिनकी डेथ हो गई है वो नाम निकल जाए, जो नए लोग वोटर बनने के योग्य हो गए हैं, युवा युवतियाँ, उनके नाम जुड़ जाए, ऐसी उसकी जितनी भी करेक्शंस हैं वो हों। एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है, इसमें रामचंद्र जांगड़ा जी को प्रमुख बनाया गया है, हमारे राज्यसभा सांसद विधायक लक्ष्मण यादव जी को उसने जोड़ा है, ललित बत्रा जी हमारा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ देखते हैं, प्रमोद कौशिक जी हमारा चुनाव का जो संपर्क है आयोग का वो प्रकोष्ठ देखते हैं, उसके साथ ही उसने कमेटी ने एक अहम को रखा है। हम इस काम में लगे हुए हैं कि सितंबर तक, उससे पहले करना चाहते थे अगस्त तक, लेकिन कुछ कार्यक्रम 15 अगस्त से जुड़े हुए ज़्यादा आए, कुछ सरकार के 9 साल के आए, इसलिए हमारा काम थोड़ा आगे जा रहा है। सितंबर माह तक सभी 15 प्रमुख पूरे करेंगे। अच्छी प्रोग्रेस है जिसमें वो अच्छे से काम कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा तेज गति के साथ 2024 चुनाव की तैयारियों को अब अंतिम रूप भी बैठक आयोजित कर दिया जा रहा है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और महामंत्री मोहन लाल कौशिक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भारत विकसित विश्व पर भी बोलते हुए कहा कि नेताओं की सोच है कि भारत विकसित हो, इसी मकसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है और सफलता भी देश को अवश्य मिलेगी। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।